चेहरे पे झाइयां, पिगमेंटेशन, कालापन या फिर दाग धब्बे बहुत ज्यादा हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है बहुत जल्द। और इसमें आपका कोई भी कॉस्टिंग यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। आपके किचन में ये चीजें अवेलेबल है, साथ ही ये इतनी ज्यादा नेचुरल है कि आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकती हैं इन पे। अगर आपके चेहरे पे दिन ब दिन लगता है कि बिल्कुल डल हो चुका है, आपके चेहरे पे बिल्कुल शाइन नहीं रही है, आपके एज के साथ आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई है, लटक गई है स्किन, झुर्रियां, झाइयां, पिगमेंटेशन खुलकर के दिख रहे हैं, तो सिंपली आपने इसे अपने स्किन पे देना है और आपकी स्किन कहेगी भाई वाह। चलिए बात करते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। चैनल पे पहली बार आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है उसे जरूर प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए इसे प्रिपेयर करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूं उसका मेन और की इंग्रेडिएंट होने वाला है मेरा नारियल तेल। यस फ्रेंड, नारियल तेल हमारे स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ये बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता रखी हूँ, मगर फिर भी आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी स्किन पे कोई भी इरिटेशन हो रहा है, कोई भी रेडनेस आ रहा है, किसी भी स्किन पे ईचिंग आ रहा है, चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल, एक्ने बहुत ज्यादा है, तो आप यकीन माने ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है। अगर आपकी आपको ट्रस्ट ना हो तो आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चों को जब भी स्किन पे कुछ इश्यू आते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप नारियल तेल का इस्तेमाल करिए, इतना ज्यादा ट्रस्टेड है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो चेहरे पे जाकर के चेहरे के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना हो उसे ठीक करता है। साथ ही झाइयों में ये बहुत ज्यादा असरदार है। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपको लेना है कोकोनट ऑयल। अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप ये पैरासूट ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और कोकोनट ऑयल नहीं यूज करना है। तो यहाँ पे मैं कम से कम 2 चम्मच जैसा कोकोनट ऑयल यहाँ पे ले लूंगी एक क्लीन बाउल में, और ड्राई मतलब कि बिल्कुल सूखा होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। इसके बाद इसमें क्या ऐड करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं ऐड करने वाली हूं लेमन के फ्यू ड्रॉप्स, जो आपकी झाइयों को क्या ही मैजिक करने वाला है। विटामिन सी पाए जाते हैं, चेहरे पे ब्राइटनेस इंस्टेंट चाहिए तो लेमन का इस्तेमाल करिए, डायरेक्ट नहीं मगर आप किसी के साथ मिक्स मैच करके करेंगे तो स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। आपको कभी भी डायरेक्ट लेमन अपने स्किन पे नहीं देना है, ये बहुत अनहेल्दी हो सकता है। इसमें एसिडिक की मात्रा पाई जाती है जो चेहरे पे जो कहते हैं हार्श कर सकती है, ड्राई कर सकती है, तो आपने किसी के साथ मिक्स मैच करना है और ऐसी चीजों के साथ मिक्स करना है जो आपकी जो नरिशिंग दे, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या फिर आमंड ऑयल हो गया, इन चीजों में आप मिक्स करके अपने स्किन पे दे सकते हैं। ये आपकी झाइयों को ठीक करेगा, दाग धब्बे को ठीक करेगा। तो आपको क्या करना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन इसमें ऐड कर देना है, बहुत हल्का सा आपको डालना है, बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम आपको 4-5 ड्रॉप्स में डाल देने हैं। बस इन दोनों को अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। ये दोनों आपकी झाइयों पे क्या ही काम करेगा, अगर आपकी झाइयां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, रोजाना अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको विद इन अ वीक में आपको देखेंगे हफ्ते भर में रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आप कहेंगे भाई वाह, पहले पता होता तो ये जरूर अप्लाई करती। या फिर आपके चेहरे पे दाग धब्बे है, कालापन है, बहुत पहले पिंपल हुआ था वो जाने का नाम नहीं ले रहा, या फिर उसके दाग रह गए हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके, बस आपको और कुछ नहीं करना, सिंपली इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने हैंड से जहां पर भी झाइयां हैं, पिगमेंटेशन, जैसे मान लीजिए यहां पे आपकी झाइयां बहुत उभर के दिख रही है, तो वहां पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करते जाना है। इसको मसाज करने के लिए आपको टाइम देना, ये नहीं कि आपने तुरंत लगाया, तुरंत आपको बस क्रीम के जैसा नहीं लगाना है, थोड़ा देर के लिए आपको वहां पे मसाज करना है। जैसे कि झाइयां है या फिर दाग धब्बे हैं तो वो इजिली नहीं जाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं ये, बहुत जो कहते हैं ना, ये नहीं कि आप सोचिए ओवरनाइट ये ठीक हो जाएगा, रात भर में ठीक हो जाएगा, ये टाइम टेकन हो सकता है मगर ये वर्क करेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो आपको क्या करना है, हल्के हाथों से इसे मसाज करना है इस तरीके से। पहले आपको अपने स्किन को क्लीन कर लेना है, आप जब भी रात में सोते हैं अपने स्किन को क्लीन जरूर करिए, कच्चे दूध से अपने स्किन को क्लीन करिए, अपने स्किन पे जो कहते हैं ना फेस वॉश करिए, क्लींजिंग करिए, ताकि आपकी स्किन पे कोई डर्ट पॉल्यूटेड ना रहे। इसके बाद इसे आपको अपने हल्के हाथों से लगा लेना है, बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना डलनेस आ गई है स्किन पे, चेहरा चमकता नहीं है, बिल्कुल काला पड़ चुका है, तो लेमन जो है, विटामिन सी जो है, आपकी स्किन को यूथ यंग बनाने में कारगर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, सिंपली इसे मैंने अपनी स्किन पे लगा लिया है, ये देखिए आपने लगा लिया है, ओवरनाइट के लिए आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, मगर बहुत तो नहीं कंप्लेन करना है, बहुत नहीं ये चीज सोच, बहुत लोग कहते हैं कि दीदी मैं ओवरनाइट के लिए नहीं रख सकती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ओवर ओवर लगता है, मुझे लगता है कि मेरे स्किन पे क्या मैंने दे दिया।
अगर आप रख सकते हैं बेस्ट है, अगर आप नहीं रख पा रहे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए अपने स्किन पे छोड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ओवरनाइट नहीं रख पा रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, इसे अपने स्किन पे लगा लेना है, अपने स्किन को क्लीन कर लीजिए। बेड में जाने से 1-2 घंटे पहले आप अपने स्किन को क्लीन कर लीजिए, इसे अच्छे तरीके से मसाज कर लीजिए अपने स्किन पे, जैसा मैं मसाज करके दिखा रही हूँ। जहां पे दाग धब्बे है वहां पे आपको बहुत थोड़ा टाइम देना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले, या फिर आपको यहाँ पे कॉटन की हेल्प से इसे कर लेना है क्लीन। यस फ्रेंड, आपको लेना है कॉटन, तो आपको लेना है नॉर्मली कॉटन, और कॉटन से अपने स्किन को जो कहते हैं ना रिमूव कर लेना है। इसे आपको ड्राई ही रिमूव करना है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ लगा करके करना है। जब आप रिमूव करेंगे ना तो गंदगी मैल सारी चीजें ना इसमें रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने कोई मेकअप किया या नहीं किया हो, मगर यह जो कहते हैं ना गंदगी है, मैल है, वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर मेकअप किया है तब तो मेकअप ओवर निकलेगा ही निकलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली से अपने स्किन से हटा लेना है। अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं तो ये आपके स्किन से के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप नहीं रख पा रहे तो 2 घंटे रखने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल कॉटन से आपको अपने स्किन से हटा देना है। इसके बाद आपको लगाना है एलोवेरा जेल। यस फ्रेंड, एलोवेरा जेल आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है। आपके पास आपके घर में जो भी एलोवेरा जेल है, जो मार्केट का यूज करते हैं या फिर आप घर का यूज कर रहे हैं, जो भी आपके पास है, आपको नॉर्मली एलोवेरा जेल लेना है इस तरीके से, और अपने स्किन पे टैप 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 और इस तरीके से लगा लेना है। ये 2 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप सोने से पहले कर लेते हैं, आपके स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। अगर चेहरे पे डलनेस, ड्राइनेस है, कालापन है, पहले चेहरा बहुत फेयर दिखता था, अब बिल्कुल नहीं दिखता है, ये कोरियन ग्लास स्किन जैसा स्किन नहीं चमकता, ये देखिए शाइन जो आपके चेहरे पे दिख रही है, ये मेरे चेहरे पे दिख रही है, सिर्फ इस रेमेडी का ही कमाल है। ये जो चेहरा शाइन कर रहा है, कोई भी मेकअप, कोई भी एक्स्ट्रा लाइट की कमाल नहीं है, ये है इस रेमेडी का कमाल। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी झाइयां पिगमेंटेशन बहुत है, बहुत कम उम्र में ही ये चीजें आ रही है, तो आपने सिंपली ये फॉलो कर लेना है। आप इसे अपने फुल बॉडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर आपके बॉडी का टोन बहुत कम हो चुका है, आपका चेहरा मतलब बॉडी का काला दिख रहा है, तो इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिफोर बाथ, मतलब नहाने के पहले आपको 1 घंटे पहले आपको अपने पूरे बॉडी में लगा लेना है, उसके बाद आप नॉर्मल बाथ ले सकते हैं। बहुत सिंपल से स्टेप थे जो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। चलिए अब बताते हैं कि कौन कौन कर सकते हैं। अगर आप 1515 से अबव है, एकदम जाके आप लगा सकती हैं। उसके बाद 20-25 के जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, जो भी है, उन्हें ये लगाना ही चाहिए। वो आगे चल के आपकी स्किन खराब ना हो, डल ना हो, स्किन पे आपकी स्किन पे जो कहते हैं ड्राइनेस ना दिखे, चेहरा बिल्कुल कोरियन ग्लास स्किन जैसा दिखे, तो आपको ये लगाना ही चाहिए। एंड 20 के बाद जो लेडीज आती है उनके लिए तो रिक्वेस्ट है कि आपको तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइम के बाद क्या होती है ना, स्किन डेड होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे जो कहते हैं ना स्किन, बहुत लोगों ने ये कंप्लेन करना कि मेरे स्किन पे झुर्रियां दिख रही हैं, पिगमेंटेशन दिख रहा है, चेहरा डल होते जा रहा है, यूथनेस बिल्कुल नहीं दिखता है, कोलेजन की कमी होने लगती है, तो इन टाइम पे आपका चेहरा बहुत डल हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको खुद अपना चेहरा पसंद नहीं आता, मिरर में देखने से लगता है पहले कितना ही अच्छा यूथ और यंग दिखता था, अब क्यों डल हो गया। तो आपको लगाना ही चाहिए। इन चीजों से आप अपने स्किन को घर बैठे ठीक कर सकती हैं, बिना इन्वेस्टमेंट पार्लर जाके पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको अपने घर बैठे इतनी फ्लॉलेस स्किन मिलने वाली है। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए हैं कि नारियल तेल का इस्तेमाल कैसे मैं अपने स्किन के लिए करती हूं, और मेरी स्किन इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे है। मेरे वार्डरोब में आपको कोई भी जो कहते हैं केमिकल वाले क्रीम्स और सीरम नहीं मिलते हैं, सारे DIY है जो मैं खुद से बनाती हूं और खुद से लगाती हूं, और इसका जो कहते हैं प्रूफ मैं देने आती हूं कि मेरे स्किन पे मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया, और मेरी स्किन देखिए कितनी ज्यादा फ्लॉलेस है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा शाइन करती है, ग्लो करती है, ऑल बिकॉज ऑफ DIY। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इसे कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना, बहुत सिंपल से स्टेप्स है जो मैंने बता दिए। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट के थ्रू जरूर पूछिएगा कि मुझे ये सूट नहीं करता, इसके जगह पे क्या लगा सकती हूँ, कौन से एज ग्रुप में आती हूँ, क्या मैं ये लगा सकती हूँ, क्या मेरे स्किन टाइप ये है, क्या मैं ये लगा सकती हूँ, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है जरूर आके DM से कमेंट के थ्रू पूछिए,
मैं आपका रिप्लाई विद इन हाफ एन आवर या वन आवर के अंदर ही देती हूँ और वो लोग मुझे जानते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए इसे कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल पे पहली बार आ रही चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि आगे आपको नई नई वीडियोस मेरे थ्रू मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, बिल्कुल ख्याल रखिए।